वीडियो क्लिप दिखा दें. इंट्रोडक्शन बाय मिस्टर सैयद नसीर अहमद शाह साहब. बैठे बैठे रिकॉर्ड कराई है. अच्छा ठीक है, आपने खुद जाना है स्क्रीन के पीछे. नहीं सर, अच्छा ब्रीफिंग देनी है कि क्लिप्स का. ठीक है, स्क्रीन के पीछे. अच्छा हमारे जान से प्यारे आका हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह अहदाउल्लाह ताला बिन नसरुल अज़ीज़ इजाज़त मरहमत फरमाएँ कुछ वीडियो क्लिप्स हजूर पेश किए जाएँ. ये हजूर सबसे पहले खुलफाए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के फरमुदात में से वो एक तसव्वुफ़ पेश किए जाएंगे जो इस हकीकत का हवाला बनते हैं कि हर आने वाले ज़माने की नई इजादात ही खिलाफत सिलसिला आलिया की बेपनाह बरकात का निशान बन जाएंगी. पहला क्लिप हुजूर हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की के उस तारीख साज खिताब सैर रूहानी जो हुजूर ने हुजूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 28 दिसंबर 1953 को इरशाद फरमाया और जिसके पुरशुको अल्फाज की ताकत से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो हुजूर सबसे पहले वो पेश है, उसके बाद दूसरे खुलफा. अल्लाह हो अकबर. MTA International, reaching the corners of the earth. MTA, 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 MTA. Celebrating a decade of broadcasting, you're watching MTA International. अब खुदा की गैरत फिर जोश में आई है और तुमको हाँ तुमको हाँ तुमको खुदा ताला ने फिर उस लाभ खाने की खिदमत शुरू की है. आसमानी बादशाह के मौसीकारो, आसमानी बादशाह के मौसीकारो, आसमानी बादशाह के मौसीकारो, एक दफा फिर इस नौबत को जोर से बताओ कि दुनिया के कान फट जाए. एक दफा फिर अपने दिल के खून इस कर्रे नामे भर दो, एक दफा फिर अपने दिल के खून इस कर्रे नावे भर दो कि अर्श के पांव भी लग जाए. एक दफा फिर अपने दिल के खून इस कर्रे नावे भर दो कि अर्श के पांव भी लग जाए और फरिश्ते भी जाग उठे. ताकि तुम्हारी दर्दनाक आवाज और तुम्हारे नारे तकबीर और तुम्हारे नारे तशहीद शहादत तौहीद की वजह से खुदा ताला आसमान से जमीन पर आ जाए और फिर खुदा की बात करे जमीन पर आ जाए. इसी गर्ज के लिए मैंने तहरीक जदीद को जारी किया है और इसी गर्ज के लिए मैं तुम्हें वक्त की तालीम देता हूँ. इधर आओ और खुदा के सिपाहियों में दाखिल हो. मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तख्त आज मसीह ने छीना हुआ है. तुमने मसीह से छीन के फिर वो तख्त मोहम्मद रसूल को देना है और मोहम्मद रसूल ने वो तख्त खुदा के आगे पेश करना है और खुदा की बादशाह दुनिया में कायम. बस मेरी सुनो और मेरी बात के पीछे चलो. तो मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो खुदा कह रहा है, मेरी आवाज नहीं है, मैं खुदा की आवाजों को बजा रहा हूँ. तुम मेरी मानो, खुदा तुम्हारे साथ हो, खुदा तुम्हारे साथ हो, खुदा तुम्हारे साथ हो और तुम दुनिया में भी इज्जत पाओ और आखिर में भी इज्जत पाओ. इस्लाम के जो खान हैं, इन खानों में
हमारा काम है सोचना, दुआएं करना, तस्वीर करना, कोशिश करना और ये भी दुआ करना कि तंगीर का फजूल ना हो और अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम उम्मीद रखते हैं कि हम अल्लाह ताला से ताकि मजकूर की तौफीक हासिल करेंगे और जो हमारे मंसूबे उसी के नाम को बुलंद करने के लिए और उसकी तौहीद को कायम करने के लिए है उसे वो हमें कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने जो ये वादा फरमाया कि मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा, देखो किस शान से पूरा फरमाया है। हमारे वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी। कल परसों की बात है, हम रेडियो की बातें करते थे तो अपने अंदर ये मकदरत नहीं पाते थे कि हम कोई इंटरनेशनल रेडियो ही कायम कर सकें। कुजा वो दिन और कुजा दो तीन साल के अरसे में ये अहमदियत के काफिले का फलांग था वह सफ़र जो पहले ज़मीन पर छलांगे मार रहा था अब आसमानों पर उड़ने लगा है और आसमान से फिर ज़मीन पर उतरता है और पैगाम देकर फिर अपने सब पर रवा दवा होता है। ये निज़ाम खुदा ने हमें अता फरमाया है और ये उस इल्हाम की बरकत है ना कि हमारी कोशिशों की। इसलिए हरगज़ किसी गलत फहमी में मुबतला ना हों, हम अपनी आजाना कोशिशें जो इस राह में खर्च करते हैं उनकी तौफीक अता होना ही खुदा का बड़ा इनाम है। मैं तो जब पूरे ठंडे दिल और इंसाफ के साथ अपने हालात पर अपनी ज़िंदगी पर गौर करता हूँ, अगर मैंने फैसला करना होता कि खिलाफत के मुकाम पर किसको फैज किया जाए तो मैं हरगिज़ अपना नाम उस लिस्ट में शामिल न करता। हरगिज़ इंसाफ के साथ अगर फैसला करता तो कभी ये तसव्वुर भी न कर सकता कि मैं इस लायक हूँ, इस मनसब पर फैज हूँ। मगर जिसने नाकारा समझते हुए, नाकारा जानते हुए मुझे इस मनसब पर कायम फरमाया वो इस मनसब के लिए गैरत रखता है, क्योंकि उसके मसीह मऊद की गुलामी का मनसब है, उसकी नुमाइंदगी का मनसब है, उस मसीह मऊद की गुलामी का मनसब है जिसको अल्लाह ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का मनसब अता फरमाया था। कि 7 जनवरी को अल्लाह ताला के फजल से मुस्लिम टेलीविजन अहमदिया के 10 साल बाकायदा नशरियात को शुरू हुए, पूरे हो गए हैं, मुकम्मल हो गए हैं। तो इस अरसा में वॉलंटियर्स ने भी इस काम को खूब चलाया है और दुनिया हैरान होती है कि सब काम रजाकाराना तौर पर बग़ैर किसी बाकायदा ट्रेनिंग के किस तरह होता है। लेकिन जो खलूस और जज्बा और वफा और लगन इन नातजर्बाकार लोगों में है, इन दुनियादारों को क्या पता कि वो हज़ारों पाउंड खर्च करके भी तुम नहीं खरीद सकते। इसके लिए तो ये अहद चाहिए कि मैं जान, माल, वक्त और इज्जत को कुर्बान करने के लिए हरदम तैयार रहूँगा। तो ये तो वो प्यारे लोग हैं, वो वफाओं के पुतले हैं जो ना दिन देखते हैं ना रात। इनमें लड़के भी हैं, ख्वातीन भी हैं, लड़कियां भी हैं, मर्द भी हैं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा भी हैं और अपनी ज़ाती काम मुलाजमतें काम करने वाले और मुलाजमतें करने वाले लोग भी हैं जो अपनी रुख्सतें भी एमटीए के लिए कुर्बान करते हैं, वक्फ करते हैं और इस बात पर खुश हैं कि इनको अपने वफा के अहद को निभाने की तौफीक मिल रही है। इनमें बहुत सौ में वो रूह भी है जिसकी मिसाल मैंने दी थी पहले कि क्यों 60 रुपये खुद अपनी जेब से खर्च किए और हमें कुर्बानी का मौका क्यों ना दिया। इनमें कुछ तो हमें सामने नज़र आ जाते हैं, जैसे कैमरामैन हैं जो सब भी आपको नज़र आ रहे हैं,
और इस खुतबे को आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो पीछे रहकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और प्रोग्राम उनमें बना रहे हैं, कुछ उनमें से कुछ एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक छोटे से कमरे में बैठे हुए कुछ इस नशरियात को तमाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल ये काम तो इंशाल्लाह ताला बढ़ेगा और बढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला की मंशा और मर्जी इसी में है। और ये काम अल्लाह ताला ने उस खलीफतुल मसीह रहमतुल्लाह ताला के दौर में शुरू करवाया, जिसके मुंह से ये अल्फाज भी निकलवाए कि साथ मेरे है ताईद रब्बुल वरा। और इंशाल्लाह ताला ये ताईद रब्बुल वरा जो है हमेशा की तरह आइंदा भी जमात के साथ रहेगी। ये खुदा का वादा है जो ज़रूर पूरा होना है। ये खुदा का वादा अपने प्यारे मसीह ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ है कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। तो अब ये अल्लाह ताला ने काम अपने हाथ में ले लिया है, फरमाया कि मैंने ही ये काम करना है, मैंने पहुँचाना है, जो कुछ करना है तुमने तो सिर्फ हाथ लगा कर सवाब कमाना है। वही लहू लगा कर शहीदों में दाखिल होने वाली बात ही है। और अल्लाह ताला की ताईद के यही नज़ारे हमें हर वक्त देख रहे हैं। और MTA के ज़रिए से दुनिया के किनारों तक अब ये पैगाम पहुंच रहा है।